सहरसा में बढ़ रहे चैन स्नैचिंग सहित चोरी की घटना से लोगों में दहशत, सहरसा पुलिस को बेहतर करना होगा पुलिसिंग। सहरसा में जहां आए दिन चैन स्नैचिंग की घटना बढ़ गई है, वहीं चोर रात के अंधेरे में घरों से जेवरात, मोबाइल और अन्य सामान को लेकर फरार हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो शहर में चैन स्नैचिंग की घटना लगातार बढ़ रही है। ताज़ा मामला सदर थाना क्षेत्र के गौतम नगर वार्ड नंबर 18 की है। पीड़ित सुमन कुमार झा ने बताया कि हर रोज की तरह रात में सभी सोए थे, सुबह उठते ही देखा कि पेंट शर्ट नीचे जमीन पर फेंका है और पत्नी का पर्स और अन्य सामान छत के सीढ़ी पर फेंका मिला। तुरंत 112 को सूचना दिया, पुलिस टीम घर पर आई और चोरी की घटना की जानकारी ली। फिर हमने सदर थाना में लिखित आवेदन देते हुए चोरी की घटना की जानकारी दिया। आगे पीड़ित सुमन कुमार झा ने बताया कि पत्नी का तकरीबन 1,50,000 का गहना, 2 एंड्रॉयड मोबाइल, 10,000 नकद, गाड़ी की चाबी पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। पीड़ित ने सदर थाना में आवेदन देते हुए सहरसा पुलिस से गुहार लगाया कि आवेदन पर कार्रवाई करते हुए चोरी हुई सामान की जल्द बरामदगी की जाए। बताइए किस तरह क्या घटना घटी? 20 मई 2023 को रात्रि में हम लोग सोए हुए थे और तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास हम लोग सो गए। बेटा मेरा दूसरे रूम में सोया हुआ था, रात्रि में करीब गहरी नींद जब हो गई तो हम लोग सोए हुए थे। उसी क्रम में कुछ अज्ञात चोर मेरे घर में घुसा, घुसने के बाद बेटा का मोबाइल, मेरा मोबाइल वो लिया पहले, उसके बाद मेरा शर्ट पैंट टंगा हुआ था, उसमें से 10,000 रुपया नगद निकाल के कर लाए थे, पैंट में ही टंगा हुआ था, उस पैंट से रुपया भी निकाला। साथ साथ पत्नी का कुछ ज्वेलरी था जिसमें चैन था लगभग 1.5 भरी का, उसके बाद मंगलसूत्र था, कान का बाली था, झुमका, 2 जोड़ा पायल वगैरह वगैरह, तकरीबन 1.5 से 2 लाख का ज्वेलरी प्लस मोबाइल, ये सब अज्ञात चोरों ने रात्रि के तकरीबन, हमको लग रहा है कि सोने के बाद जब भी घटना हुई हो तो वो लेकर के चोर अपने साथ चला गया। रात में जब सुबह हम जगते हैं 5 बजे तो देखते हैं सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है, बैग बिखरा हुआ है, मेरा मोबाइल नहीं मिला, उसके बाद पर्स, मेरी वाइफ का पर्स रखा हुआ था वो बिखरा पड़ा है, चूड़ी का डब्बा बिखरा पड़ा हुआ, सब सीढ़ी पे पड़ा हुआ है। पुलिस को सूचना दिया? मैंने पुलिस को सुबह जाकर के एक आवेदन दे दिया है और ये आवेदन पे उन्होंने, फिर मैं 112 पे कॉल किया, कॉल पे पुलिस की टीम आई और यहाँ पे जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल के बाद उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं थाना को ये चीज़ सूचना देता हूँ, मैं थाना में भी आवेदन दे करके रिसीविंग घटना है। ये सहरसा सदर मुख्यालय के अंतर्गत गौतम नगर वार्ड नंबर 18 की ये घटना है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सुमन कुमार झा।